हेलो एवरीवन, आई होप आपकी प्रिपरेशन ठीक से चल रही होगी और प्रीलिम्स 22 के लिए अप्रोक्स 3 मंथ बचे हुए हैं, तो आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन जरूर रखना है, क्योंकि अप्रोक्स आपके 3 महीने हैं ना, ये क्रूशल रोल है वो प्ले करने वाले हैं कि आप नेक्स्ट एग्जाम में किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करने वाला हूँ। मेथड कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो एक तरफ टेस्ट सीरीज हो जाती है, इतना सारा बर्डन कि कोई भी जो भी इंस्टीट्यूट है जैसे विजन IAS के 37-38 टेस्ट है, इनको भी आपको साथ लेके चलना है, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ना है। तो ऐसे में दोनों को साथ साथ किस तरह से कम टाइम में इनका रिवीजन करें, किस तरह से कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जैसे कि क्या, जैसे आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो टेस्ट सीरीज में जो भी मटेरियल दिए होता है, जैसे कि मान लो ये मटेरियल दिया है, ये मटेरियल दिया है, तो इसको यहाँ से भी पढ़ लिया और उसको फिर आप उसी मटेरियल को जाके, मान लो ये स्टैंडर्ड बुक है और इसमें जाके पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम है ना वो तो वेस्ट होने वाला है ना। तो आप जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक भी साथ में रखनी है और टेस्ट सीरीज है ना वो साथ में लेके चलनी है। तो जो मटेरियल आप टेस्ट सीरीज में पढ़ रहे हो वो मटेरियल आप दोबारा स्टैंडर्ड बुक में पढ़ने का ट्राई ना करें, इससे आपका एक तरफ तो टाइम है ना वो ठीक तरह से यूटिलाइज हो पाएगा, आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा लास्ट टाइम रिविजन के लिए। तो मेरा ये मेथड है ना वो आपको थोड़ा ठीक लगे तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। ऐसे ही नए मेथड के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।